जोहार हजारी बाग, मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारी बाग। फिर से हम लोग आ गए हैं लाइव, क्योंकि कव्वाली का है माहौल और मेरे साथ ऐसे मशहूर कव्वाल हैं जो 1972 से कव्वाली कर रहे हैं। नाम आप लोग भी शायद सुने होंगे लेकिन देखे नहीं होंगे, हम भी तो देखे नहीं थे, पहली बार देख रहे हैं। नाम है मनव्वर ताज और इतना फेमस थे कि गाँव गाँव में जहां भी कव्वाली होता था इनका नाम तो जरूर आता था कि मनव्वर ताज आए हैं भाई, इतना दूर से सुनने जा रहे हैं। और रात रात भर लोग सुनते थे और लौट के 2-3 बजे घर वापस आते थे। अब हजारीबाग के तकिया मजार में आए हैं, आइए जानते हैं इनसे आकर इनकी कहानी कैसे शुरू हुई, कव्वाल से ही शुरू हुई या फिर कोई और कारण से यहाँ पे आए हैं। सर, कैसे शुरू हुई आपकी जो कव्वाली है, फिर आप एकदम हाउस होल्ड नेम बने एक टाइम में, सब लोग जानने लगे आपको, और फिर हजारीबाग फिर यहाँ पे आए हैं, तो ये सारा एक्सपीरियंस हम हजारीबाग के लोग जानना चाहते हैं। ये दरअसल हमारे ये खानदानी काम है। हमारे वालिद साहब भी फारसी के कव्वाल थे और सूफी संतों की महफिल से बड़ा उनका वास्ता रहा। हमारे मामू मनोहर आज़ाद वो भी इस स्टेज पे आ चुके हैं। अच्छा। और ये तो खैर तकिया मज़ार पे ये हमारा 5वां स्टेज है, 5वां बार आ चुके हैं। 2 बार तस्लीम आरिफ के साथ आए। अच्छा। एक बार बच्चा भारती के साथ आए, एक बार एजाज यानी के साथ आए, और इस दफे फिर दादा मदारा शाह रहमत ने बुला लिया अपनी खिदमत। काफ़ी पसंद है हजारीबाग। नहीं नहीं, मोहब्बत है, लोगों की मोहब्बत है, और हजारीबाग से एक ऐसा लगाव है हमारा कि आर्टिस्ट कम है, फैमिली रिश्ता ज़्यादा है हमारा है। तो बस जब भी याद करते हैं, यहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया है कि जब भी याद करते हैं चले आते हैं खिदमत के लिए, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक याद करेंगे आते रहेंगे। तो 1972 में शुरू हुई, अब का जो माहौल है वो एकदम चेंज हो गया, सोशल मीडिया आ गया, अब लोगों तक आसानी से पहुंच जाता है ये म्यूजिक, सूफीज़म चाहे कुछ भी हो। तो उस दौर में और इस दौर में क्या फर्क दिखा इन 30 सालों में या 10 सालों का बदलाव अगर ले लें, सोशल मीडिया है सब कुछ आया, तो बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। क्योंकि पहले एक माइक सारे स्टेज को कवर करता था, अब 10 माइक लेके हम लोगों को बैठना पड़ता है। और फिर ये मीडिया का ज़माना है, आजकल जो है अपने फन से लोग मशहूर नहीं हो रहे, मीडिया से ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं, रातों रात स्टार बन जा रहे हैं। फिर भी जो मेहनत करने वाले हैं वो अपनी मेहनत कर रहे हैं, आजकल के जो नई नस्ल के जो लोग हैं वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, यूट्यूब से उनका आइटम ले लिया, उनकी तर्ज ले लिया, कॉपी पेस्ट चला नहीं, वो नहीं, उसमें बुनियाद उसकी अच्छी नहीं है। मेहनत करें, मेहनत ज़रूरी है। अब आप अभी देखिए हमारे उस्ताद जानी बाबू 80 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन फिर भी 80 साल की उम्र में भी बच्चों की तरह गाते थे। हजारीबाग के तो बड़े चहीते कव्वाल थे जानी बाबू। तो अब हमारी उम्र 63 साल की हो चुकी है, लेकिन वो मेहनत जो है वो मेहनत रंग ला रही है। आजकल तो अब यह मालूम होना चाहिए कि वेटिंग लिस्ट तो अलग है, अब तो समझिए कि RSC का मामला आ चुका है, लेकिन मेहनत, इसलिए वो नई नस्लों को भी ये मेरी नसीहत है कि वो लोग भी मेहनत करें। जितना अपने कपड़े पे फोकस देते हैं, अपने स्टेटस पे फोकस देते हैं, अपने काम पे फोकस दें, मेहनत करें, अल्लाह मेहनत का सिला देने वाला है। और हजारीबाग तो खैर एक ऐसा मरकज़ है कि कोई भी हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा फनकार, चाहे बम्बई के कोई भी, मैं हजारीबाग का नाम सुनते कहते हैं हाँ हजारीबाग है। तो इसमें और अभी हालात ऐसे चल रहे हैं कि बात बात में फ़िरका परस्ती की बात आ जाती है, तो फ़िरका परस्ती गाने बजाने में फ़िरका परस्ती नहीं चलती है भाई। हम तो दुर्गा मंडप पर गाते हैं, शादी में भी गाते हैं, मज़ारों पे भी गाते हैं, फ़नकारों का कोई धर्म नहीं होता है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में ना तोला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। क्या बात, क्या बात, लाजवाब। तुम ये सब आज बोलेंगे आप? हाँ, तोड़े जो कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो संतान रो पड़े, ऐसी फजा चढ़ाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। क्या बात है। तो ये एकता को लेके हम लोग चलते हैं और यही संदेश देते हैं, यही सबक देते हैं कि इसको अपनाइए। धर्म मजहब अपनी जगह है, लेकिन बुजुर्गाने दिन के अब दाता मदारा शाह की देख लीजिए, हिंदू भी आ रहे हैं, मुसलमान भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, ईसाई भी आ रहे हैं, तो एकता का सबूत मिलता है ये सूफी संतों की दरगाहों से। तो
तो अगर शुरू से लिया जाए, अगर स्टार्टिंग करियर से आपका, अभी तक तो कितने स्टेज कर चुके होंगे? ऐसे आप लोग तो काउंट नहीं करते नहीं होंगे, लेकिन रफली अगर देखा जाए कितना बताएं आपको, बस पाठ पुर्जा जवाब दे चुका है सफर करते करते और आप लोगों की दुआओं के तो फिल्म है, दो टूर हमारा पाकिस्तान का भी हो चुका। अच्छा, और उन फनकारों के सामने गाने बजाने का मौका मिला जैसे नुसरत अली फतेह अली खान। अच्छा, सेम स्टेज में? जी जी जी, घर में, उनके घर में प्रोग्राम हुआ। क्या बात है। अताउल्लाह खान, मराती वली, गुलाम साबरी साहब, इन लोगों के घर में ये बुजुर्गाने दिन की जूतियों का सदका है। तो ये नुसरत साहब और अताउल्लाह खान साहब के साथ बैठ के स्टेज शेयर किए हैं और यहाँ हजारीबाग आए हैं, मतलब कितना बड़ा बात है, इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ हम लोग बैठे हुए हैं और लग ही नहीं रहा है कि, मतलब देखिए आर्टिस्ट अपने काम से ही बड़ा होता है। तो कैसा रहा एक्सपीरियंस वो, मतलब दूसरे कंट्री में जाके? और फिर बहुत अच्छा, इतनी मोहब्बत दिया कि वहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा था, नुसरत अली फतेह अली खान साहब के घर में जब हमारा प्रोग्राम था तो मुझे एक ऐसी हैबत तारी हुई, तो हमने उनसे काम कहा कि सर आपको मैं गाना सुनाऊँ, आपको गाना सुनाना, सूरज को चिराग दिखाना। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, आप मेहमान हैं हमारे, ऐसे ही जैसे मैं आज कह रहा हूँ कि सब लोग मेहनत करें, वैसे ही उन्होंने भी कहा कि मेहनत करो बेटा और आप मेहमान हो हमारे यहाँ, या हमारे लायक जो भी खिदमत हो आप फौरन कहना। तो वो लोग दूसरे नुसरत अली पैदा नहीं हो सकते हैं, अल्लाह के ख़ास नवाजे हुए थे, बड़े अच्छे इंसान थे, अल्लाह मगफरत फरमाए, मेरी दुआ है उनकी। तो अभी तो कव्वाली का क्रेज हम लोग देखते हैं नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है, तो आप साउथ में भी कभी गए हैं ऐसा एक्सपीरियंस? हाँ, गए, चेन्नई वगैरह तमाम हमारे शो होते हैं, कोकण जाते हैं, मुंबई जाते हैं, और हर तरफ मतलब कि अच्छा है, मतलब अच्छा माहौल पूरा सही है, बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा माहौल। सबसे अच्छा जगह कौन सा रहा कव्वाली के बेसिस पे, मतलब जहाँ सबसे लोग पसंदीद कर, मतलब लोग दिल से पसंद करते हैं, यहाँ यहाँ पे हमारा पूरा हिंदुस्तान, हर जगह, मतलब हर कल्चर हर जगह एकदम। और क्या, जैसे फिल्मों में जब कव्वाली शुरू हुआ ना, हम लोगों ने देखा कि एक टाइम रहा कि फिल्म में बहुत सारे गाने हैं कव्वाली को इंकल्केट किया गया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ा, आप लोगों को बढ़ावा मिला कि क्या हुआ? नहीं नहीं, बढ़ावा मिला है, बिल्कुल बढ़ावा मिला है। अब हमारे उस्ताद जानी बाबू ने 2-3 फिल्म में गाया, सब उनका बिल्कुल हिट सॉन्ग था, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, आसार क़यामत ये बताए हैं नबी ने, हमारी गांव वाली गुड़िया जब जवान हुई, धोखा होएगा वह हमका बम्बई के बच्चे, सब सॉन्ग है और मशहूर हुए इन सब चीज़ों से। यानी बिहार में आते तो बिहार की जबान, वो तो महाराष्ट्र के रहने वाले थे, बिहार की जबान इस्तेमाल करते थे, हमारे गांव वाली गुड़िया जब जवान हुई ये तो भोजपुरी जबान है, जानी बाबू ने इस जबान को अपनाया। तो वो कुछ मिक्सिंग भी हुआ है, मतलब आगे जाके कल्चर जो कव्वाल और कल्चर है, सूफिज्म जब स्टार्ट हुआ सूफिज्म से ये कव्वाली आया, तो अभी क्या कुछ मिक्स हुआ है कि वही फॉर्म चला आ रहा है? नहीं 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 नहीं, मिक्स हुआ है। अब जैसे अभी जो सूफिज्म को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो ये हमारे समझिए नुसरत अली खान साहब की देन है, साबरी ब्रदर्स की देन है, ये सूफिज्म को लेकर के आए वो, हालांकि पहले से शुरू से भी है, लेकिन हाईलाइट किया है इन लोगों ने, आज पब्लिक उसको पसंद कर रही है। बिल्कुल। तो अभी क्या आप कुछ सुना पाएंगे, एक दो लाइन हम लोगों को, मतलब ऐसा अगर लाइव है हम लोग तो कुछ दर्शक भी सुन के थोड़ा एंटरटेन हो जाएंगे लोग? अभी एक एल्बम हमारा आया है दिल्ली से, अभी यूट्यूब पे अभी हमारा आ चुका। अच्छा। वाकई शेर खुदा है आप दामाद नबी, वाकई शेर खुदा है आप दामाद नबी, हश्र तक पैदा ना होगा, हश्र तक पैदा ना होगा आपके जैसा कोई, तुम भी कहो या अली, हम भी कहें या अली, तुम भी कहो या अली, हम भी कहें या अली। क्या बात है, क्या बात है। तो देखिए हमारे साथ मनोवर दास जी हैं जो काफ़ी पॉपुलर, मतलब एक टाइम में तो हाउसहोल्ड नेम ही कह सकते हैं आप, हजारीबाग 5 बार आ चुके हैं। हाँ, कुछ सवाल है आपका? नुसरत साहब के साथ शेयर स्टेज शेयर किए हैं। हाँ, तो वो वाला एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए। वाक्य कुछ ऐसा घटना आपको लगता है कि शेयर करना चाहिए पब्लिक के साथ, क्या हुआ? नहीं, कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ, बड़े प्यार से उन्होंने सुना और मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था वो। अच्छा। कि ऐसी शख्सियत के सामने हमने बैठ के गाया बजाया और कुछ सीखने का मौका मिला, और फिर उसके बाद 90 दिन का टूर था हमारा, बदकिस्मती ऐसी थी कि एक दिन हमारा जो वीज़ा बढ़ गया। अच्छा। तो मुझे एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। हाँ। वहाँ भी उन्होंने बहुत बड़ी मदद की हमारी, नुसरत साहब ने, हम तो घबरा गए, सारे पैसेंजर को निकाल दिया गया, हम लोगों को रोक दिया गया, बोले के बाद में उन्होंने बताया शौकत अली खान सबसे कस्टम के बड़े अफिसर थे, मुझे आज तक नाम और ज़िंदगी भर नाम याद रहेगा। अच्छा।
बोले इतनी बड़ी गलती आपसे कैसे हुई, हमका सर ऐसी सी बात है। तो पूर्णम इलाहाबादी शायर थे भरदु झोली मेरी या मोहम्मद के राइटर। अच्छा, तो फिल्म में भी उसकी गाने। हमने उनको फोन किया, हमका के ऐसी सी बात हुई। बोले बेटा आप घबराओ मत, आप वहीं रहो, मैं अभी खान साहब को, तो वहाँ नुसरत अली साहब का कोई नाम नहीं लेता था, उनकी इतनी इज्जत थी, खान साहब लोग कहते, तो उनको फोन किया उन्होंने। बोले वो बच्चे लोग परेशान हो गए, और वो समझिए 10-15 मिनट के अंदर क्या क्या उन्होंने किया मिनिस्ट्री में, बड़ी बात थी उनकी। वही शौकत अली खान साहब आए, बोले आपका मैं मनोहर ताज हूँ। बोले वो खान साहब का फोन आ चुका है, आप इत्मीनान नहीं, कुछ कानूनी काम है, इसके लिए आपको आज रुकना पड़ेगा। अच्छा। उन लोगों ने होटल का इंतजाम करवाया, हम लोगों को रुकवाया होटल में, और दिन भर में सारा काम मिल करके मेरे हाथ में आ गया। बोले ये खान साहब की मेहरबानी है। फिर खान साहब ने घर पर बुलाया, घर पर उनके गए, ने कहा हुजूर, बोले नहीं बेटा पाकिस्तान आपका है। आपका है, आप किसी बात की फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना यहाँ पे, सारा काम आपका हो चुका है, ये कुछ कानूनी काम जो होता है वो करना पड़ता है। तो बस मेरे दिल से ही दुआ निकलती है कि अल्लाह मगफिरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में उनको आला से आला मकाम अता फरमाए। एक और सवाल मैं रह गया था कि ये रियाज आप लोग अभी भी करते हैं, करते रहते हैं? जिंदगी भर करते रहेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे। इसको मतलब ये कभी भी नहीं सोचना है कि मैं मुकम्मल हो चुका, नहीं। हमारे उस्ताद जानी बाबू ने यही तालीम हमको दिया था कि बेटा जिंदगी भर सीढ़ी चढ़ते रहना, कभी ये मत समझना कि मैं मकाम पे पहुंच गया। जिस दिन ये समझ लोगे उस दिन तुम नीचे चले जाओगे, इसलिए अपने रियाज को कभी मत छोड़ना। और अभी जो नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही तो दिया हमने, मैसेज तो दिया हमने कि अपने बाल पे कम तवज्जो दो, अपने ड्रेस पे कम तवज्जो दो, अपने मतलब चेहरे पे कम तवज्जो दो, पहले अपने काम पे तवज्जो दो। ये नेट से उधर से गायब कर लिया, उधर से चोरी कर लिया, तो उसकी कोई वक्त नहीं है, अपनी मेहनत रियल जो असल है, नकल नकल है। तो हम लोग देखिए बहुत मशहूर कव्वाल से बात कर रहे थे, और सच में मतलब जब पता चला कि नुसरत फतेह अली खान जी के साथ स्टेज शेयर करें, उनके घर पे रुके हैं, तो मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस है, नया चीज़ जानने को मिला है, और एक तरह से हम लोग इतिहास में गोदे लगा की जनता सुनेगी। तकिया मजार में जो शो है आज और कल, शायद दो दिन कव्वाली का प्रोग्राम है, तो बड़े बड़े शायर आ रहे हैं, उनमें सबसे बड़े शायर तो लगता है यही है। अभी देखिए, आइए और सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद जुहार भाई, धन्यवाद। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने कीमती वक्त दिया, हम आपसे बहुत मुतासर हुए, और अल्लाह आपके चैनल को खूब कामयाब करें। थैंक यू।